लालकुआ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आगामी 28 जनवरी को देहरादून में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की होने वाली महारैली को सफल बनाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बता दें कि आयोजित बैठक में पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का 28 जनवरी को महत्वपूर्ण दौरा है। उन्होंने बताया कि इस महारैली में नैनीताल जनपद के लालकुआं विधानसभा क्षेत्र से भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता देहरादून पहुंचेंगे। इसी क्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरेंद्र बोरा ने कहा कि लालकुआं विधानसभा में 142 बूथ मौजूद है, जिसके बूथ अध्यक्षों से रैली में भागीदारी करने का आग्रह किया जा रहा है ताकि कांग्रेस को एक मजबूती प्रदान हो सके। लालकुआं से मुन्ना अंसारी की रिपोर्ट। माननीय खड़गे जी 28 तारीख को देहरादून आ गए और इसमें आज यहाँ पर नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की दीदी टीम के बैठक हुई है और इसमें अपील की गई है लोगों से, कार्यकर्ताओं से अधिक संख्या में जिनके बाद बाहर में जो ट्रेन है उससे वहाँ पहुँचे और अपनी तस्वीर यहाँ बता करके संदेश दें कि दालबा से भी इतने लोग वहाँ पर पहुँचे। तो यही सबसे बड़ी आज की बैठक की माननीय अध्यक्ष हैं श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, वो 28 तारीख को जो है 11:30 बजे देहरादून आने वाले हैं कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए। तो इसलिए जो है हमारी ये तैयारियाँ चल रही हैं कि हम जो है हमारे जितने भी बूथ हैं 142 बूथ जो है लालकुआ विधानसभा में है, तो जितने भी बूथों के अध्यक्ष हैं हम ये चाह रहे हैं कि हर बूथ का अध्यक्ष जो है वहाँ पर पहुँचे जिससे कि वो उनकी बातों को सुन सकें।